नागरिक अस्पताल में समाज सेवी शिम्बू जिंदल भुराणिया ने 1200 मास्क अस्पताल प्रबंधक को सौंपे। शिम्बू जिंदल ने कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही हथियार है। वह 25,000 से ज्यादा मास्क वितरित कर चुके हैं। SMO डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि शिम्बू जिंदल समेत दूसरी संस्थाएं लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने को लेकर काफी अच्छा काम कर रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क और शारीरिक दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जींद से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। ये कोरोना महामारी के दौरान एक चीज जो बड़ी अच्छी सामने आई है कि इससे हमारा समाज के अंदर जो एकजुटता है वो दिखाई दे रही है। कोरोना के जो बुजुर्ग मरीज हैं उनके परिवार वाले बहुएं बेटियां पुत्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी कोरोना से लड़ रहे हैं। घर में किसी भी हमने अब इतने दिन हो गए किसी भी बूढ़े को हमने या बुजुर्ग आदमी को यह नहीं देखा कि परिवार ने उनको छोड़ दिया हो। आप वार्ड में भी जाके देखोगे तो जो कोरोना के मरीज दाखिल है उनके परिवार वाले उनको छोड़ नहीं रहे हैं, लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं जबकि वो पूरे रिस्क पे रहते हैं। इसी तरह जो काफ़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सामने आई हैं। शुरू में जो कोरोना के पेशेंट दाखिल हुए उनको उन्होंने खाना पहुंचाया, अब सरकार की तरफ से इंतजाम हो गया है। और इसी कड़ी में आज ये हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं श्री शिम्बू जिंदल जी भुराणिया जी, इन्होंने 1000 के करीब 95 मास्क अस्पताल में दान किए हैं, तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये N95 मास्क जो है हेल्थ केयर वर्कर को काफ़ी मदद पहुँचाएंगे और यही पहनने चाहिए, तो इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा है। और अब आपके माध्यम से अन्य समाज सेवी संस्थाओं को भी हम यही वो कहना चाहेंगे कि अगर आप जो है N95 मास्क अगर हमें और दें तो ये अच्छा रहेगा। बाकी सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं है, हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो लगातार यूज होती रहती है, तो जितने भी हमें मिलेंगे समाज सेवा जो जिसका भाव है वो अगर देना चाहे तो उनके लिए हम दिल से आभारी हैं।